वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर से हमारे सहयोगी विपिन परमार ने खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहा। कृषि अध्यादेशों को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल जो है वो लगातार किसानों के साथ समन्वय बनाने को लेकर जो है अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है बातचीत को आगे बढ़ाए हुए हैं। ऐसे में अब किसानों को जो है जिस तरह से इन बिलों की बारीकियां समझाने की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नियुक्ति जो हुई है कहीं ना कहीं बड़ी सोच समझ कर, क्योंकि राजकुमार चाहर साहब हैं जो कि खुद किसानी क्षेत्र से आते। सर, आपका खेती बाड़ी कृषि से जो है वो आधारित क्षेत्र, आप जहां से सांसद भी हैं वहां आता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, क्योंकि किसानों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड अभी भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही क्रांतिकारी और किसानों की दशा और दिशा को बदलने वाला एक ऐतिहासिक बिल उन्होंने दिया और हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर साहब, उन्होंने पेश किया पार्लियामेंट के अंदर सभा में, वो बहुमत और ध्वनिमत से पारित होकर आज देश के किसानों को भला करने के लिए थे। किसानों का ये जो बिल आया है ये बेवजह का हंगामा इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरे अपने शासनकाल में कभी सोचा नहीं, कोई योजना नहीं बनाई, कोई ऐसे शासनादेश, कोई ऐसे विधेयक नहीं लाए जिससे किसान की आय बढ़े। किसानों की बड़ी हालत खराब थी कांग्रेस की सरकार जब तक केंद्र में रही। आज कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब 2014 से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने किसानों के हित के लिए, मजदूर के हित के लिए, गरीब के हित के लिए निरंतर योजनाओं को चलाने का काम किया, तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है। 2014 के बाद जब किसान सम्मान निधि लेकर आए माननीय प्रधानमंत्री जी और गोरखपुर में उन्होंने जब उसकी घोषणा की बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन था, और उस घोषणा के बाद पहली बार हुआ देश के अंदर कि किसानों को 6000 रुपए उसके खाते में साल भर के अंदर दिया गया, जिससे वो अपना खाद भी ला सकता है, अपना बीज भी ला सकता है। क्योंकि किसान की जो हालत कर दी थी कांग्रेस के शासनकाल के समय पे, जो दुर्दशा कर दी थी, आत्महत्याएं लगातार हो रही थी, तो कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। और 2019 में जब उनका अपना खुद का घोषणा पत्र जो आया, जो चुनाव से पहले वो लाए, उसमें उन्होंने ये सब चीजें अपने घोषणा पत्र में कही, और अचानक वो लोकसभा में इस बिल के आने के बाद अचानक वो मुखर होकर एक भ्रम की स्थिति उन्होंने किसानों के सामने पैदा करने की कोशिश की। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक मोदी जी के ऊपर किसानों को अटूट विश्वास है, और इस बिल में वो सब कुछ है जो किसानों की दशा और दिशा को बदलेगा और उनकी उन्नति का रास्ता खोले। आखिरी सवाल आप सर, किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो किसान आपकी तरफ देख रहे हैं या फिर इन अध्यादेशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आश्वासन देंगे कि एमएसपी नहीं जा रहा, मंडी प्रथा नहीं टूटेगी, और जो एक क्लॉज लगाने की, ये कहा जा रहा है कि बिल में ये नहीं डाला गया कि एमएसपी का एक क्लॉज अलग से डाल दिया जो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनको क्या कहना? देखिए, मैं देश के सभी किसानों को पुनः बधाई देना चाहता हूं और बड़े विश्वास के साथ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ऐलान के साथ, बड़े संकल्प के साथ और बहुत ही पूरे मन से और दिल से ये घोषणा की है, पूरे देश ने देखा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी हमेशा रहेगी। अब इतनी बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा कह देना, 1965-66 से जो एक प्रशासनिक आदेश जो चला आ रहा है वही चल रहा है निरंतर, इससे पहले भी अनेक सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें रही हैं, कभी कोई एमएसपी की बात ही नहीं आई है। इस विधेयक में एमएसपी के बारे में अलग से चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं थी कि एमएसपी तो हमेशा रह नहीं रहनी है, तो फिर ये बेवजह की बातें क्यों? और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं और देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रग रग में किसानों की उन्नति करने के लिए उन्होंने जो सपने देखे हैं वो साकार करेंगे। निश्चित रूप से जो भी कुछ आने वाले समय में और किसानों के हित में, देश की जनता के हित में हो सकता होगा, ऐसे विधेयक लगातार आते रहेंगे जो देश की दशा को भी बदलने का काम करेंगे, किसान की दशा को भी बदलने का काम करेंगे, नौजवान की दशा को भी बदलने का काम करेंगे। इंडिया न्यूज के साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार चाह साहब हैं जिन्हें अभी अभी जिम्मेदारी दी गई है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करें, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आज शुरुआत जो की गई है वो चंडीगढ़ से की गई है, और सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है कि बड़े ही प्रायोजित और सुनियोजित ढंग से जो है ये पूरा का पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि देश के भोले भाले किसान को जो लाभ इन बिलों से मिलेगा
उससे उनको भ्रमित किया जा सके। लेकिन कहीं पर भी इन अध्यादेशों के तहत एमएसपी या फिर मंडी प्रथा पर कोई आंच नहीं आएगी, ये कहना है राजकुमार चहर साहब का। कैंपस नजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया।